हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टेप ट्यूटोरियल। और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस, ये हमारी एचटीएमएल टैग ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ेंगे मेन टैग। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक गाइस। अब बात ये आती है कि मेन टैग क्या होता है। गाइस, मेन टैग के तो नाम से पता चल रहा है कि ये मेन टैग है। मेन टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में मेन कंटेंट को स्पेसिफाई करता है और जो भी कंटेंट हम मेन टैग के अंदर रखते हैं वो एकदम यूनिक होना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि साइड बार्स, लिंक्स, फॉर्म, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और गाइज, मेन टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे एक बार ही लगाना चाहिए और दूसरे किसी टैग के अंदर, जैसे आर्टिकल, हेडर, फुटर, नेविगेशन, इनके अंदर मेन टैग को नहीं लगाना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस, ये यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ गूगल क्रोम में देखेंगे। तो आइए करते हैं, मेन टैग लगाते हैं सबसे पहले। तो हमने लगाया मेन टैग, और मेन टैग लगाने के बाद में देखिए, ये मेन टैग पूरे डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट को ग्रिप करेगा। तो हम मेन टैग के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि सेक्शन लगा सकते हैं और सेक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज सेक्शन। और ऐसे ही हम यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं, हेडिंग भी इसमें लगा सकते हैं, H1, तो आप इसमें लिख दें, मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग। ऐसे ही आप इसमें पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ को आप यहाँ पर बंद कर दें, देखें ऐसे पैराग्राफ, तो मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। तो गाइज, इस तरह से हम मेन टैग लगाते हैं और मेन टैग के अंदर हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको सेव करता हूं और देख लेते हैं रिजल्ट। सेव किया और हमने रिफ्रेश किया, तो यहां पर ये सब टैग्स जो है सारे के सारे मेन टैग के अंदर हैं। तो गाइज, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। ये था मेन टैग। गाइज, ये काफी छोटा ट्यूटोरियल था, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।